हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी रहे होंगे। क्या आपको पता है कि बीपीएससी के टीआरई 1 और टीआरई 2 के टीचर्स का म्यूचुअल ट्रांसफर स्टार्ट हो गया है? अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में एक गूगल फॉर्म भी बहुत तेजी से फॉरवर्ड हो रहा है। तो दरअसल क्या है ये गूगल फॉर्म भर करके म्यूचुअल ट्रांसफर करने का प्रोसेस, डिटेल में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अपने लैपटॉप पर वही गूगल फॉर्म ओपन किया हुआ है जो हमें व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया गया है। पहले आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्ड किया गया मैसेज है कि फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, मतलब कि कई जगहों से घूमता घूमता ये म्यूचुअल ट्रांसफर का गूगल फॉर्म भी हमारे पास आ गया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है टाइटल में, बीपीएससी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के लिए है। यहां पे एक फॉर्म का लिंक है और नीचे में मैसेज लिखा हुआ है कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 ऑल टीचर्स कैन फिल दिस फॉर्म टू गेट अ समराइज्ड डेटा व्हिच विल हेल्प यू इन फाइंडिंग योर कलीग फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर। दिस फॉर्म इज ओपन टिल 30/3/2024 यानी कि 30 मार्च 2024 मिडनाइट 11:59 तक। The data will be released by end of the March. तो आई होप कि आप में से भी कई लोगों के पास ये WhatsApp फॉरवर्ड पहुंचा होगा। तो अब चलिए इस WhatsApp का Google लिंक ओपन करते हैं और Google लिंक ओपन करने के बाद देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे सबसे टॉप पर लिख रहा है कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 म्यूचुअल ट्रांसफर, और इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि प्लीज शेयर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फॉर योर ऑन कन्वीनियंस, ऑल बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 कैंडिडेट्स कैन फिल द फॉर्म। ठीक है, अब आपसे यहां पर आपका ईमेल आईडी मांगा जाता है, टीचर का नेम मांगा जाता है, बीपीएससी टीआरई टाइप, टीआरई 1 में आपका सिलेक्शन हुआ है या 2 में, ये आपको सिलेक्ट करना है, टीचर ग्रेड, आप किस क्लास के टीचर में सिलेक्शन हुआ है या सिलेक्टेड हुए हैं, तो इसमें आपको 1 to 5, 6 to 8 या आपको 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, आप किस सब्जेक्ट के लिए सिलेक्टेड हुए हैं तो वो सब्जेक्ट आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट का ऑप्शन है। पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हुई है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पोस्टिंग ब्लॉक, किस ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग हुई है, आप अपना बीआरसी वाला ब्लॉक यहां पर इंटर करेंगे। स्कूल नेम एंड यूडाइस कोड भी इंटर करेंगे। वांटेड डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में अपनी पोस्टिंग चाहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर के थ्रू। और 8वां नंबर पर है वांटेड ब्लॉक, किस ब्लॉक में आप अपना स्कूल चाहते हैं। और 10वां पॉइंट है जिसमें मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, जिसमें व्हाट्सएप भी चलना चाहिए। तो ये तो आपने देखा गूगल फॉर्म जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है। लेकिन ये फॉर्म देखने के बाद सबसे पहला ये सवाल कि क्या ये शिक्षा विभाग ने जारी किया है, तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा कोई लेटर म्यूचुअल ट्रांसफर का शिक्षा विभाग ने जारी नहीं किया है कि आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो आपका म्यूचुअल ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाएगा और डेटा रिलीज मार्च के अंत तक हो जाएगा, ऐसा कोई लेटर पब्लिक डोमेन में नहीं। दूसरी बात, लॉजिकली अगर सोचा जाए तो लॉजिकली भी देखेंगे तो ज्वाइन किए हुए टीचर्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम बात करें तो 2 महीने भी नहीं हुए, ज्यादातर लोगों का 1.5 महीना ही हुआ है। और 1.5 महीने के अंदर अंदर अगर म्यूचुअल ट्रांसफर का प्रोसेस हो जाए पाठक जी के राज में तो ये इम्पॉसिबल सी है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कह लीजिए, असंभव है, कहिए तो दिन के उजाले में सपना देखने वाली बात है कि भाई म्यूचुअल ट्रांसफर 1.5 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट हो गया। ये तो एकदम अनोखी बात हो गई, वो भी पाठक जी के राज में। तो ये जो गूगल फॉर्म है ये शिक्षा विभाग के तरफ से नहीं बल्कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति जैसे कि हमारे और आप जैसे किसी एक व्यक्ति के द्वारा डेवलप किया गया ये फॉर्म है और सारे टीचर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है। अब आप लोगों के मन में हो सकता है कि सवाल ये आएगा कि भाई अगर शिक्षा विभाग ने जारी नहीं किया है तो फिर ये इंफॉर्मेशन कोई इकट्ठा करके क्या कर लेगा। तो देखिए, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कई तरीकों से होता है, कई जगहों पे मिसयूज भी होता है, कई जगहों पे इंफॉर्मेशन को यूज करके ब्लैकमेल भी किया जाता है। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि हमारे इंफॉर्मेशन से कोई क्या ही कर लेगा, करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है और जब किसी के साथ हो जाता है तब पता चलता है कि हमारी एक छोटी सी गलती हमारा कितना बड़ा नुकसान कर गया। तो इस तरह का गूगल फॉर्म भरने से बचें, इस तरह का कोई भी गूगल फॉर्म जब तक कि विभाग के आदेश के साथ में ना आए तब तक आप इस तरह का कोई भी फॉर्म नहीं भरेंगे। और बताइए कि अगर इस तरह का फॉर्म भर के किसी से म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए इंफॉर्मेशन लिया जाता है तो क्या विभाग के पास सारे टीचर्स की जानकारी नहीं,
बिल्कुल जानकारी है। अगर विभाग को म्यूचुअल ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन लेनी भी होगी तो वो अपने पोर्टल पर या एक फॉर्म क्रिएट करके बाजाबते एक नोटिस निकाल करके लोगों से इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, ना कि इस तरह का एक गूगल फॉर्म जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड होते होते हमारे और आप तक पहुंचता है और हम उस फॉर्म को बड़े आसानी से भर देते हैं ये सोच समझ करके कि भाई ये हो सकता है विभाग की तरफ से होगा, डेढ़ महीने के अंदर अंदर या डेढ़ महीने के बाद हमारा अपने वाले डिस्टॉक में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर इस तरह का कोई भी गूगल फॉर्म आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आए तो सबसे पहले उससे संबंधित विभाग का लेटर चेक करें कि है या नहीं, है तब तो ठीक है और नहीं है तो उसे इग्नोर करें ताकि आपका डेटा किसी और व्यक्ति के पास ना जाए। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोगों ने इस गूगल फॉर्म में अपना इंफॉर्मेशन फीड कर दिया होगा और सबमिट भी कर दिया होगा, लेकिन अगली बार से ध्यान रखें कि इस तरह का कोई भी गूगल फॉर्म आए तो सबसे पहले विभागीय नोटिस के बारे में पता करें, उसके बाद ही कोई फॉर्म भरें या फिर किसी जानकार व्यक्ति से इसके बारे में पता कर लें, अपने स्कूल में अपने कुलीग से पता कर लें, अपने एचएम से पता कर लें, उसके बाद ही इस तरह के फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन दे, अदरवाइज आपको इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।